हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निट बच्चा में आप सबके स्वागत है गाइस। तो गाइस आज की वीडियो है जो वो एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, बहुत ही सुंदर पैटर्न है, किसी भी प्रोजेक्ट में आप डाल सकते हैं इसको। और जैकेट वगैरह, कार्डिगन या भी फ्रॉक वगैरह किसी में भी आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, बहुत जल्दी बन के तैयार होता है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। और गाइस अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube फैमिली बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल प्रेस करके करना, इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियो को फुल वॉच कर सकें फटाफट से। तो गैस चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर मैंने ये क्रिकेट का ऊन लिया है और 12 नंबर का क्रोशिया लिया और एक स्टील लिया है, तो इसकी सहायता से मैं बनाऊँगी। तो गैस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम एक चेन बना लेंगे। इस तरह से एक नॉट लगाएंगे और नॉट लगाने के बाद हम यहाँ पर चेन बना लेंगे। इसी तरह से हम यहाँ पर 30 चेन बनाएंगे। तो यहाँ पर ये चेन बनके हमारी रेडी हो चुकी है, 30 चेन बना दी है हमने। अब यहाँ पर हम इस तरह से में डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर पूरी 30 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। तो वैसे यहाँ पर ये चेन बनके रेडी हो गई। अब यहाँ पर हम 1, 2, 3 चेन ले लेंगे और 1, 2, 3, 4 चैन लगा के ये हमारे 5 डबल क्रोशिया बन गई हैं। और यहाँ पर इसको सिल्प स्टिच करेंगे इस तरह से इसको लूप को बड़ा करेंगे और इस तरह से इसको हम स्केल में डालेंगे। फिर दूसरी चैन में हम डालेंगे और इस तरह से फंदा निकाल के इस तरह से लूप बड़ा करके हम इसमें स्केल में इसको स्टिच करेंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स ये हम 5 लूप बना लेंगे इसके। तो ये 5 लूप हमारे बन गए हैं। इसी तरह से हम 5 के हिसाब से ये पूरी रो को कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इतना ही बनके रेडी हो गया है हमारा। और यहाँ पर ये हमने डबल क्रोशिया बना ली है 5, 1, 2, 3 चेन लेंगे और यहाँ पर हम फिर से ये 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2, 3, 4 और 1, 5, तो ये 5 डबल क्रोशिया बन गई हैं। और इसको हम स्केल से निकाल लेंगे इस तरह से स्केल से हमने निकाल लिया है 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 लूप्स हैं, इनको हम निकालना है इसमें से इस तरह से ये 5 लूप्स को हम इसमें से निकाल लेंगे।
और एक एक करके इनको हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से ही हम स्लिप स्टिच कर देंगे। अब ये वाले भी हम इस तरह से तो इस तरह से ही हम स्लिप स्टिच कर देंगे। पूरी रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरह से पूरी रो हमारी कंप्लीट होगी। तो इस तरह से ये डिजाइन बनके हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर हम 1, 2, 3 चेन लेंगे और यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया इस तरह से बना के कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया बना लिए हमने और हमने इसको लूप्स को निकाल लिया और उसी तरह सेम हम इन लूप्स को इस तरह से स्केल में 5 और 5 के हिसाब से हमें ये लूप्स बना लेने हैं अपने। तो इसी तरह से ये हम पूरी रो को कंप्लीट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर ये वाली रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है और यहाँ पर 3 चेन लेके हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिए हैं और इसको हम अब स्केल से निकाल लेंगे। इस तरह से बहुत सुंदर डिजाइन लगती है फ्रेंड्स ये बनने के बाद। और यहाँ पर ये फिर से एक बार बताती हूँ आपको, 1, 5, 5 के हिसाब से ये लूप्स बनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 ये 5, 10 लूप हमने अपनी क्रोशिया पर रखे हैं और ये पांच लूप आधे आधे करेंगे इधर उधर के हम, और इन 5 लूप्स को हम इन 5 लूप्स के अंदर से इस तरह से निकालेंगे। इस तरह से ये 5 लूप्स हम 5 लूप्स के अंदर से निकाल लेंगे। इस तरह से है। अब इनको हम सिंगल क्रोशिया से इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। इधर वाले भी हम इसी तरह से इस तरह से ये सारे हम स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से ये डिजाइन बन के आएगा हमारा। बहुत ही सुंदर डिजाइन लगता है देखने में।
चलिए फ्रेंड्स ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारा डिजाइन बनके रेडी हो गया है। बहुत सुंदर लगता है ये बनने के बाद। कैमरे में पता नहीं कैसा लग रहा होगा, बट यहाँ पर ये बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। बहुत अच्छा डिजाइन बन के आया है ये, इस तरह से दोनों तरफ से, किधर से भी आप इसको अपने पहनने के लिए बना सकते हैं। बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इस डिजाइन को